नहीं तो मैं 10-15 ट्रिक्स तो बता ही सकता हूँ, और ऑलमोस्ट टिप्स एंड ट्रिक आते किधर से? क्या जादू से टिप्स एंड ट्रिक आता है? नहीं, टिप्स एंड ट्रिक वहां से निकालते हैं जब एक टाइप के बहुत सारे सम्स करने लगते हैं और मालूम पड़ता है कि ये सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो बेटर है उसके लिए हम लोग एक जनरलाइज फॉर्मूला निकाल दें। जैसे अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद आया तो आप एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल दोगे। उसको मैथमेटिकली हम लोग ने जनरलाइज किया है कि 101 का होल स्क्वायर 100+1 पे तोड़ देते थे हम लोग, याद है आप लोगों को? वैसे ही तो हर चैप्टर्स में टिप्स एंड ट्रिक है। तो बेसिकली मैंने एक प्लान किया है कि जितने भी चैप्टर्स पढ़ाऊंगा लास्ट के 10 से 15 मिनट हम लोग टिप्स एंड ट्रिक पे ध्यान देंगे। क्या मालूम अगर जी उससे क्वेश्चन पूछ दे तो हमारा विद इन टाइम भी बच जाएगा और हमारा एक्यूरेट आंसर भी आ जाएगा। तो बेटा सबसे पहले समझते हैं टैंजेंट से नॉर्मल। एक बात दिमाग में बिठा लो कि ये जो भी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जो भी चीजें पढ़ने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकेंड पार्ट है, टैंजेंट्स एंड नॉर्मल। एंड प्लीज इस चैप्टर को कैलकुलस ना समझो, इस चैप्टर को समझो कि सर हमारा कोऑर्डिनेट का जो नॉलेज है यहां पर रिक्वायर्ड होगा। बारीकी को देखते हैं सर इस पूरे चैप्टर में बारीकियां क्या है और हमको ऑब्जर्व क्या करना था। सबसे पहले बेटा ये ध्यान देना है आपको कि टैंजेंट्स एंड नॉर्मल ये बेसिकली एक लाइन है। ध्यान से समझते जाओ बेटा, टैंजेंट्स में बोलूं, जब मैं टैंजेंट बोलूं या टैंजेंट बोलूं एंड नॉर्मल, जब मैं दोनों की बात करता हूं तो मैं कोई अलग सा दुनिया सा कोई फोटो नहीं लाता हूं, अपने दिमाग में कोई अलग सा कर्व इमेजिन नहीं करता हूं। मेरे दिमाग में एक ही कर्व इमेजिन होना चाहिए और वो है बेटा लाइन। ध्यान से समझो, अगर टैंजेंट से नॉर्मल आपको नहीं आता और आपको एक चैप्टर आता है जिसका नाम स्ट्रेट लाइन, बिलीव मी बेटा इस चैप्टर का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और आपको अगर स्ट्रेट लाइन आता है, नहीं आता है, टैंजेंट से नॉर्मल आता है, तो भी बिंदास रहो, 50% क्वेश्चन कर दोगे। हाँ जी, तो कहानी में ये सिखा रहा था आपको कि जब भी टैंजेंट देखो, जब भी नॉर्मल देखो, आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर टैंजेंट एंड नॉर्मल एक लाइन है। सो इफ क्वेश्चन इज आस्किंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट और फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जस्ट थिंक दिस इज नॉट टैंजेंट, दिस इज नॉट नॉर्मल, वी आर अबाउट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। भले ही टैंजेंट है, क्वेश्चन के लिए टैंजेंट है, क्वेश्चन के लिए नॉर्मल है, लेकिन हमारे दिमाग में ये रन करना चाहिए कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए हम लाइन के बारे में सोचेंगे कि अगर मुझे एक लाइन फॉर्म करना है देन व्हाट शुड बी द बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। जस्ट देखिए, आपको स्ट्रेट लाइन कैसे कैसे मिल सकता है। एक बेटा होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज। एक लाइन फॉर्म करने के लिए जरा ध्यान देना, अगर आपको मैं बोलूं कि बेटा आपको एक लाइन ड्रॉ करना है तो आप बोलोगे ना सर एक काम करो, आप मेरे को दो पॉइंट दे दो। जैसे ही मैं दो पॉइंट दूंगा आप दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे और बोलोगे देखो सर मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। नॉट ऑब्वियस बात है, आप सही हो। अगर मैं पॉइंट नहीं देता और मैं आपको बोलता कि एक लाइन ड्रॉ करो तो आप नहीं ड्रॉ कर पाते, क्योंकि कहां से स्टार्ट करना है कहां पे रोकना है आप जानते ही नहीं हो। कहां से स्टार्ट करना है कहां पे रोकना है आप नहीं जानते हो। You don't know the initial point and the terminating point. Line बना दोगे लेकिन उसका ना ही initial point आपको मालूम है ना ही terminal point मालूम है, तो आप एक straight line बनाते time confused हो जाओगे। मैं line draw करने की बात कर रहा हूँ तो मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ कि सबके लिए वो line same होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा draw किया, कोई वैसा draw किया, कोई कहीं से भी draw कर दिया। सबके लिए line same होना चाहिए। Normal का मतलब क्या होता है बाद में आएंगे, tangent का मतलब क्या होता है बाद में आएंगे, पहले line का मतलब समझो। तो अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, सो पहला रिक्वायरमेंट है बेटा कि आइदर वी शुड हैव टू पॉइंट्स। इफ वी हैव टू पॉइंट्स देन वी कैन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, नो डाउट दिस इज कूल थिंग। क्या कुछ और आइडिया है सर जहां पे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? यस आई हैव। वो क्या है सर? देखो बेटा, तुमको लाइन ड्रॉ करना है ना, तो मैं आपको एक पॉइंट देता हूं। ऑब्वियस बात से इस पॉइंट से होने वाले, पास होने वाले बहुत सारे लाइन्स हो सकते हैं, पर मैंने आपको यही बोला कि आपको वैसा लाइन ड्रॉ करना है। मैंने अगर आपको बोला कि आप ये लाइन बनाओ तो आप भी वही लाइन बना रहे हो, दूसरा भी वही लाइन बना रहा है, तीसरा भी वही लाइन बना रहा है, मतलब सबके लिए सेम लाइन आ रहा है, पूरी दुनिया के लिए सेम लाइन आ रहा है। इसलिए पॉइंट को फिक्स किया जाता है ना कि लाइन को पास करना है 2.3 से, तो आप भी 2.3 से पास करोगे, दूसरा भी क्वेश्चन बनाएगा वही सेम फोटो बनाएगा। तो अगर मैं एक पॉइंट बोलूं कि बेटा इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करना है, तो मेरा डेटा थोड़ा सफिशियंट नहीं है, इनसफिशियंट है।
इस मेरे को कुछ और बताना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा आके ऐसा लाइन ड्रॉ कर दे, कोई बच्चा आके ऐसा लाइन ड्रॉ कर दे, कोई बच्चा आके ऐसा लाइन ड्रॉ कर दे, तो लाइन में वेरिएशन क्रिएट हो रहा है। उसके लिए मुझे एक कुछ चीजें और देनी पड़ेंगी। जब प्लेन पढ़ोगे 3D का, उस टाइम पे आपको समझाऊंगा कि प्लेन में हमको 3 वेरिएबल्स में इक्वेशंस क्यों लिखे जाते हैं। फिलहाल लाइन की बात कर रहा हूं मैं, 2 डायमेंशन में। तो अगर मैं एक पॉइंट दे दूं तो हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। कर सकते हैं का मतलब कि सबके लिए सेम नहीं होगा, अलग अलग हो सकता है। और मैं आपको अगर डायरेक्शन दे दूं, ध्यान से समझो, मैं अगर एक पॉइंट दे दूं और एक डायरेक्शन दे दूं, तो गारंटी है कि आप जो लाइन ड्रॉ करोगे दूसरा भी वही लाइन ड्रॉ करेगा। मैं आपको बोल दिया कि ड्रॉ द लाइन इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन का मतलब ये होता है बेटा कि आप गलती से उठ करके ये लाइन नहीं बना दोगे। अगर ये लाइन बना दिया तो आपने डायरेक्शन छोड़ दिया, क्योंकि डायरेक्शन बोला ऐसा जाना है आपको और आप ये डायरेक्शन फॉलो कर दिया। इसीलिए आप जब 3D पढ़े रहोगे, अगर कोई बच्चा 3D लाइन में पढ़ा रहेगा तो उसको मालूम रहेगा कि यहां से एक वेक्टर बोला जाता है जिसको बोला जाता है बी बार, लाइन पैरेलल टू बी वेक्टर। उसको बोला लाइन का इक्वेशन क्या होता है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लेमडा बी बार, वेक्टर का नॉलेज है। इसलिए लेमडा बी बार आता है, क्यों? क्योंकि मैंने एक इनिशियल पॉइंट दे दिया, मुझे एक पैरेलल लाइन देना था, मुझे एक पैरेलल वेक्टर देना पड़ेगा, तब मैं जाकर के लाइन बना पाऊंगा। अदरवाइज सबके लिए लाइन अलग अलग वेरिएशन में आएगा, प्लेन में नॉर्मल लिया जाता है तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं सर। अब बात है कि हमने एक दूसरा लाइन दिया, और कुछ चीजें हैं सर। ये तो वेक्टर की नॉलेज हो गया ना, कि एक मैंने आपको डायरेक्शन फिक्स कर दिया और मैं आपको इनिशियल पॉइंट दे दिया। सो क्या लाइन ड्रॉ कर पाएंगे? यस, लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, गारंटी है लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन सर अगर कोऑर्डिनेट की लैंग्वेज में बात करें हम, तो मेरे लिए ये सेम चीज दूसरे लैंग्वेज में निकल करके आएगी। और वो लाइन, वो चीजें क्या होंगी बेटा? आपको एक स्लोप दिया जा रहा है, आपको एक इनिशियल पॉइंट तो दिया गया, साथ में आपको ये भी बता दिया गया कि आप जो लाइन ड्रॉ करोगे वो एक्स एक्सिस से कुछ थीटा एंगल बनाना चाहिए। वो थीटा क्वेश्चन फिक्स करके देगा, थीटा 45, 60, 90 कुछ भी हो सकता है। अब मैं गारंटी कह सकता हूं कि मैं अगर आपको एक पॉइंट दे दूं, मैं बोलूं कि एक्स 2 से शुरू करना है और आपको 45 डिग्री पे एक लाइन बनाना है, तो आप जो लाइन बनाओगे दूसरा भी वही लाइन बनाएगा, तीसरा भी वही लाइन बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर हमने जो लाइन बनाया वो सबके लिए सेम था, तब मैं जाकर के बोलूंगा कि अब मेरा लाइन सही है। वैसे ही टैंजेंट से नॉर्मल में, तो टैंजेंट हमारा है सर लाइन। तो टैंजेंट के लिए हमें चाहिए क्या क्या? पहले तो बेटा दो पॉइंट क्यों बोल रहा हूं, कहां पे टैंजेंट बनाना है समझते जाओ। मैं रिक्वायरमेंट आपको दे दे रहा हूं ताकि टैंजेंट एंड नॉर्मल में सारी की सारी कहानियां एक ही होती है। टैंजेंट एंड नॉर्मल लाइन है, लाइन का इक्वेशन फाइंड करना होता है, बस खत्म कहानी, ठीक है। अच्छा मैं अगर आपसे पूछ लूं कि मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन बता पाओगे क्या? कोई है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन बता दे प्लीज, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल सच में अगर मुझे आप इक्वेशन ऑफ लाइन बता दे। किसी बच्चे को याद है इक्वेशन ऑफ लाइन? y is equal to mx plus c। बेटा ये तो लाइन है जो ओरिजिन से पास होता है, मैं इन जनरल सब लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ। आपका आंसर सही है, दिस इज वन फॉर्म ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग इंटरसेप्ट c। c इंटरसेप्ट पास ओरिजिन से होता है, c उसको शिफ्टिंग कर देता है, बस इतना ही मान के चलो। इक्वेशन ये है बेटा, y minus y1 is equal to m into x minus x1। ये है जिसमें m जो होता है आपका स्लोप होता है, x1 एंड y1 जो होता है ये होता है नोन पॉइंट्स, या मैं इसको बोल सकता हूं फिक्स्ड पॉइंट्स। फिक्स्ड पॉइंट का मतलब होता है कि मेरे को यहां पे इस पॉइंट पे लाइन निकालना है, मुझे एक ऐसा लाइन निकालना है, मुझे एक ऐसा लाइन बताना है जो x1 और y1 से पास हो रहा है। मैंने वही बोला कि वही लाइन आपको बनाना है, कि पॉइंट अगर दे दूं तो सारे लाइन सबके लिए लाइन उसी पॉइंट से पास होगा। और आप बोलोगे कि सर जब आपने पॉइंट तो दे दिया स्लोप की क्या जरूरत थी? कहानी आती है बेटा यहाँ पे वापस से, कि सिर्फ पॉइंट देने से हम लाइन नहीं बना सकते हैं, हमें या तो थीटा चाहिए या तो मुझे एक डायरेक्शन चाहिए, इसीलिए हमें स्लोप बताया गया। एंड स्लोप आप जानते हो, स्लोप क्या होता है?
स्लोप को बोलते हैं एन, और स्लोप खुद में होता है टैन थीटा, और इसी टैन थीटा को हम लोग डेरिवेटिव में बोले हैं डीवाई बाई डी एक्स। बात को ध्यान से समझो, डीवाई बाई डी एक्स, तो बेटा ये जो टैंजेंट, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको मैं इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बोल दूंगा, मैं इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बोल दूंगा। कब बोलूंगा? टैंजेंट तो है इक्वेशन ऑफ लाइन ही ना, टैंजेंट तो है इक्वेशन ऑफ लाइन ही ना, तो आप बोलो इक्वेशन ऑफ लाइन, ध्यान से देखते जाओ, इक्वेशन ऑफ लाइन बोलो, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बोलो, या आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोलो, ये है तीनों एक ही चीज, तीनों एक ही चीज है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बस तीनों में कंडीशन हो जाता है, टैंजेंट भी कहीं पॉइंट से पास होगा, लाइन भी किसी पॉइंट से पास होगा, नॉर्मल भी किसी पॉइंट से पास होगा, लेकिन तीनों में रिलेशन होता है कि टैंजेंट एंड नॉर्मल एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं या परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है सर, जब तीनों एक ही चीज है, बेटा ध्यान से समझो, अगर तीनों एक ही चीज है तो सर तीनों का आंसर एक ही आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है यार, तीनों जब एक ही चीज है तो तीनों का आंसर भी तो सेम ही आएगा ना। अब तीनों का आंसर सेम आएगा तो सर इन तीनों में इक्वेशन ऑफ टैंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे लिए नई चीज है, लेकिन इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे लिए पुरानी चीज है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ही आंसर आएगा सर। यस एग्जैक्टली वही आता है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन हम जानते हैं सर, आपने जस्ट बताया अभी, वो है वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन। बेटू ध्यान से समझो, दिस इज योर फाइनल आंसर, बिलीव मी गाइज, यही आंसर है जो टेंजेंट एंड नॉर्मल के सारे इक्वेशन को सॉल्व कर देगा, टेंजेंट एंड नॉर्मल के सारे इक्वेशन को सॉल्व कर देगा, गारंटी है, और सारे के आंसर भी यही आता है। लेकिन क्योंकि हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो हमें स्लोप को डेरिवेटिव के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। सो हम, ये हो गया बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन, जरा ध्यान से कहानी को समझो, ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। नाउ इफ क्वेश्चन विल आस्क कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देन वी हैव टू रिप्रेजेंट स्लोप एम इन टर्म्स ऑफ डीवाई बाई डी एक्स। सो फाइनली व्हाट यू विल हैव, y minus y1 is equal to dy by dx x minus x1। Now again, one point you have to think, कि सर dy by dx किधर? Point को ध्यान से समझो। सर dy by dx आपने निकाला, आपने y और x जो भी equation उसको differentiate तो कर दिया, तो ये tangent तो नहीं आया ना। Tangent तो तब आएगा जब मैं किसी point पे बात करूं, नहीं तो एक कर्व पे यार बहुत सारे टैंजेंट्स हो सकते हैं। अब किस पॉइंट पे टैंजेंट? तो बिट्टू ध्यान से समझ, हम इसी पॉइंट पे स्लोप निकाल रहे थे ना, तो इसी पॉइंट पे हम लोग टैंजेंट भी निकालेंगे। सो हमको इसको और अच्छे से लिखना पड़ेगा, और वो अच्छे से लिखने का वे क्या होगा सर? डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट एक्स वन एंड वाई वन। Now this equation is representing equation of tangent passing through point x1 and y1. Yeah, equation of tangent is equation of line. So more precisely you can say, sir, this is, listen very carefully guys, this is equation of tangent, equation of tangent, equation of tangent at point x1 comma y1. So whenever you will face na question based on tangent, question based on normal, just think what we have to find. We have to find the point where you want to draw the tangent. Us point ko dhundna hai jahan pe aap tangent banana chahte ho, aur us point pe tangent jab pass hoga to slope kitna banayega. सिर्फ पॉइंट से तो हम लाइन नहीं बता सकते ना, हमको स्लोप चाहिए, स्लोप हमको कैलकुलस के लैंग्वेज में चाहिए, तो ऑब्वियसली हम डिफरेंशिएट करके पॉइंट रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब सर दुनिया का कोई भी टैंजेंट का क्वेश्चन हो, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालने की बात आए, तो हमें बस दो काम करना होता है, एक पॉइंट निकाल दो और पॉइंट उस पॉइंट पे स्लोप निकाल दो, हमारा आंसर आ जाएगा। यस वही होगा। तो सर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम जानते हैं सर टेंजेंट एंड नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, टेंजेंट ए एंड नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो एक रिजल्ट हमें मालूम है, एंड द रिजल्ट इज इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, कोई आगे बोल देगा, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर
देन कोई बोलो यार, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज माइनस वन. इसका मतलब क्या है सर? एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन. इसका मतलब क्या है सर? कि स्लोप ऑफ वन लाइन इज रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ अदर लाइन. रिमेंबर दिस पॉइंट गाइस, स्लोप ऑफ वन लाइन, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन स्लोप ऑफ वन लाइन इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ अदर लाइन. सो हियर वी आर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. So we know the relation between slope of tangent and slope of normal is very little bit like both are perpendicular, dono hi perpendicular hote hain. So why not write sir dy by dx as a negative reciprocal to find the slope of normal. So guys ye ho jayega 1 minus, sorry, y minus. Ye ho jayega beto 1 y minus y1 is equal to minus 1 by dy by dx and of course at x1 comma y1. आई टोल्ड यू ना कि ये जो लाइन होता है ये एट दी बताता है कि ये एट है एक्स माइनस एक्स वन. सो कहानी इक्वेशन ऑफ लाइन की हो, कहानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की हो, कहानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की हो, वी विल डू ओनली वन थिंग. फर्स्ट वी विल फाइंड द पॉइंट वेयर वी वॉन्ट टू ड्रॉ द टेंजेंट एंड द स्लोप ऑफ द लाइन. द स्लोप ऑफ द लाइन दैट मीन्स द डेरिवेटिव ऑफ लाइन एट दैट पॉइंट वेयर द लाइन इज पासिंग लाइक एक्स वन एंड वाई वन. नाउ बातें बहुत हो गई सर, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग ज्योमेट्रिकली. जरा इस कहानी को आप ज्योमेट्रिकल वे में समझाइए सर क्या होगा. बेटू होने की कोई बात नहीं है और ये चीज को हम थोड़ा इलाबोरेट करेंगे लास्ट लेक्चर में, जब मैं टेंजेंट एंड लास्ट लेक्चर का मंडे को मेरा लेक्चर है शायद. सो मैं उस दिन बताऊंगा आपको. और सच पूछा जाए, एक बात बताऊं तो बोर्ड लेवल यहाँ पे खत्म हो जाता है. इसके बाद में जितना पढ़ाऊंगा ऑर्थोगोनल हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, आई थिंक ये जेईई की इक्वेशन है. सो ये हो गया सर. मान लो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग इतने समझदार हो कि एक्स एंड वाई समझ सकते हो. नाउ कंसिडर दिस इज अ कर्व, यस दिस इज अ कर्व एंड आई वॉन्ट टू फाइंड द टेंजेंट एट दिस पॉइंट ऑफ द कर्व. हम इस पॉइंट पे फाइंड करना चाहते हैं और वो पॉइंट का नाम है बिटू एक्स वन और वाई वन. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. This is the curve. We know the equation of curve is y equal to f of x. It can be anything. And we want to find the tangent on the curve at point x1, y1. Yes, x1, y1. So geometrically we can draw the tangent. Hoga kya sir tangent? Tangent aapka yahi hoga yaar. Tangent aapka yahi hoga. Yes, of course tangent aapka yahi hai sir. Tangent aapka yahi hai. So where is normal sir? Where is normal? Can you write the equation of this tangent? Yes, I can write sir. Then tell me, what is this? Sir, equation of this yellow line. Equation of this yellow line is y minus y1 is equal to dy by dx at x1 and y1 into x minus x1. So equation of this yellow line, equation of this tangent is this one, this thing. Now tell me the equation of normal. So what is normal, sir? Normal is line perpendicular to tangent. Line perpendicular to tangent. And obviously, sir, perpendicular banana bachcho ki kaam hai. Yahi to ho gaya. Yahi to hua, sir. Perpendicular banana bachcho ki kaam hai, sir. Now you can feel, guys, ki this two lines are perpendicular. Perpendicular bolne ka matlab hota hai making angle 90. Now the equation of this line, this If this line is tangent, then the green line is normal. And the equation of this line, the equation of this green line, equation of this normal will be y minus y1 equal to minus 1 by negative reciprocal of slope of tangent dy by dx. And of course, at x1 comma y1 into may x minus x1. And this is exactly what we want to find. And I suppose this is the point P where we are interested to find the slope of tangent and normal, equation of normal and tangent. So this is the geometrical representation of this whole thing.
So now, can we start solving questions? Yes, but after reading these all remarks. ये कहानी इतना ही है सर, टेंजेंट एंड नॉर्मल में से ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, until and unless जब तक क्वेश्चन के लेवल ना बढ़ जाए. सो लेट्स स्टार्ट की सर ये क्या है. नाउ बेटे एक चीज बता रहा हूँ, ये जो रिमार्क नंबर वन है इसको हल्के में मत लेना. पहला चीज दिमाग में बिठा लो, जो रिमार्क नंबर वन है इसको हल्के में मत लो. क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? बोलते हैं ना छुट्टी मुंह बड़ी बात, वही सर यही है. The point x1 and y1 will satisfy the equation of curve and the equation of tangent and the normal line. इसका मतलब क्या हुआ सर? कि ये जो आप point देख रहे हो ना x1 और y1, ये जो आप point देख रहे हो ना x1 और y1, ये basically सिर्फ curve पे line नहीं करता है, ये yellow line पे भी lie करता है and green line पे भी lie करता है. इसका मतलब समझे दया, ये तीनों ही कर्व पे लाई कर रहा है, मतलब तीनों कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. दुनिया का कोई भी पॉइंट लेके आओ, दुनिया का कोई भी पॉइंट लेके आओ, कोई भी कर्व लेके आओ, अगर एक पॉइंट उस कर्व पे लाई करता है इसका मतलब होता है कि उस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. लेकिन इसमें एक दो बात और है, क्या हमारे मुंह से बोल देने से ही सिर्फ ये चीज हो जाएंगी? ऑब्वियसली नॉट. मैं बोल दिया कि सर ये पॉइंट कर्व पे लाई करता है, इसका मतलब थोड़ी हुआ कि मैं बोल दिया तो हो गया. आपको दिखाना तो पड़ेगा, आपको सेटिस्फाई कराना तो पड़ेगा. सो मेरी बात को दिमाग में बांध लीजिए सर, कि जब भी ऐसा सिचुएशन से आप गुजरो कि क्वेश्चन दिया है कि ये पॉइंट इस कर्व पे लाई करता है, देन डायरेक्टली डू वन थिंग, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट ऑन द इक्वेशन ऑफ कर्व. आपको जो भी मिला डेटा अपने पास रखिए, इन फ्यूचर काम करेगा आपको, इन फ्यूचर नहीं सॉल्यूशन के टाइम काम करेगा. So, जब भी ऐसा सिचुएशन में गुजरो कि जहां पे आपको दिया जाए कि ये पॉइंट इस कर्व पे लाई करता है, देन बेटा आपको कुछ नहीं करना है, पॉइंट उठा करके कर्व में पटक दो, जो भी डेटा मिला अपने पास रख लो, मे भी काम कर जाए, काम करेगा. जेईई ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा यार, 2019 में क्वेश्चन देख लेना, टेंजेंट ने नॉर्मल पे दिया था, एंड शायद क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने स्लाइड में रखा है जो इस रिमार्क पे बेस्ड है ओनली. नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिमार्क नंबर टू. If the tangent at any point P on the curve is parallel to x-axis of x, axis of x, then derivative will be zero. And this is like obvious सी बात है सर, क्या आप बता रहे हो आप मुझे? एक ऐसा कर्व बनाओ, कहानी को ध्यान से समझ लीजिए आप, एक ऐसा कर्व बनाओ जिसका टेंजेंट, अब देखो इस कर्व पे पॉइंट्स इनफाइनाइट है, जितने पॉइंट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं उतने हम टेंजेंट बना सकते हैं. Since there are infinite points on this curve, so we have infinite tangents in those curves. But we are interested on those tangent, जो tangent x-axis के parallel है. So x-axis के parallel वाला tangent sir, पागल लड़का भी आकर बोल देगा sir, यही तो है sir. अब इस point से आप कोई भी tangent pass करोगे, इस point से आप कोई भी tangent pass करोगे, this tangent will be parallel to x-axis. अब आपको कोई बोले कि सर ये टेंजेंट का आप स्लोप बताओगे? स्लोप क्या है सर? स्लोप ये इंक्लिनेशन ही नहीं है, थीटा ही नहीं है, थीटा जीरो है. जितने भी दुनिया के पैरेलल लाइंस है सबके बीच में एंगल जीरो बनता है. सो डायरेक्टली वी कैन कंक्लूड कि सर स्लोप ऑफ दिस लाइन, मतलब स्लोप ऑफ दिस लाइन, मतलब एम ऑफ दिस लाइन, मतलब टैन थीटा ऑफ दिस लाइन, कैलकुलस में लैंग्वेज में dy by dx of this line is zero. आंख बंद करके आप भरोसा कर लेना है कि सर एक लाइन दिया है जो x-axis के parallel है, sorry, एक tangent है जो x-axis के parallel है, तो tangent का equation directly dy by dx equal to zero लिखना है आपको. Now let's come to the remark number three. If the tangent at any point on the curve is parallel to x-axis of y, then dy by dx is equal to infinite. But हम infinite लिखना prefer नहीं करते हैं, हम जरा इनको और इज्जत देंगे और इनको अच्छे से लिखेंगे. इज्जत देने का मतलब क्या हुआ बेटा? इज्जत देने का मतलब ये हुआ, थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करेंगे और बोलेंगे बेटा तुम इनफाइनाइट हो ना, तो इनफाइनाइट को आप ऐसा लिखो डिवाइड बाय डीएक्स इज इक्वल टू वन बाय जीरो. और डिवाइड बाय डीएक्स इक्वल टू वन बाय जीरो को हम और दूसरा लैंग्वेज में लिख सकते हैं, और वो लैंग्वेज ये है डीएक्स बाय डीवाई इक्वल टू जीरो. सो बेसिकली इसको तीन लैंग्वेज में लिखा जाता है. ये बात सही है, मानेंगे नहीं,
वही बात होगी कि आप बोलने, आप जो बोल रहे हो बहुत अच्छी लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है. सो आप इनफिनिट मत लिखो. आप आइदर यू कैन राइट दिस और यू कैन राइट दिस ओनली. सो 1/0, मैं मेरी बात मानो तो मैं dy/dx = 1/0 लिखना प्रीफर करता हूँ. अब मुझे एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना थोड़ा उल्टा लगता है. बचपन से आदत है सर y को डिफरेंशिएट करना x में, dx/dy आपने को आदत नहीं है. सो क्यों हम रिस्क लें? एंड ऑब्वियसली स्कैम 1992 देख करके आप फैन मत बन जाना सर, रिस्क है तो इश्क है, गड़बड़ हो जाएगा, 5 मार्क्स लेके चले जाओगे यार जेई में. ठीक है सर, जरा इसका फोटो बनाकर समझा देते हैं. इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ठीक है सर फोटो बनाइए आप जरा. तो फोटो रहा सर आपके स्क्रीन के सामने, ये रहा कर्व, ये रहा कर्व, एंड इस कर्व पे मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहता हूं. सो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे टेंजेंट जो होगा बेटू कुछ ये होगा, एंड आप डायरेक्टली देख सकते हो कि सर ये जो आपने टेंजेंट बनाया है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है. तो इसका डीवाई बाई डीएक्स क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/0, मतलब इनफाइनाइट. नाउ कमिंग टू द रिमार्क नंबर 4, इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज इक्वली इंक्लाइन टू बोथ द एक्सिस देन dy/dx = +-1, आइदर इट कैन बी 1 और इट कैन बी -1. सो फोटो क्या होगा सर, इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज इक्वली इंक्लाइन टू द बोथ ऑफ द एक्सिस. सर बहुत अच्छा लग रहा है बोलने में लेकिन समझ में नहीं आया. नहीं समझ में आया समझ लो सर, मैं समझाने के लिए ही हूं यहाँ पे. देखो सर एक कर्व है कुछ ऐसा, एक कर्व है कुछ ऐसा, और इस कर्व पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया कुछ ये पॉइंट पे. जरा इस कर्व को उठा करके पास मिला देते हैं. यस बड़ा आप इधर आ जाओ जरा, या दिस इज गुड नाउ. एंड बिटू हम सोच रहे हैं कि जरा इस पॉइंट पे हम टेंजेंट फाइंड कर लें, और इस पॉइंट पे टेंजेंट जब अपन फाइंड करेंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट जब अपन फाइंड करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा. एंड ऑब्वियसली आई एम सेइंग कि इक्वली इंक्लाइन टू बोथ एक्सिस, दिखने में लग नहीं रहा है लेकिन आप मेरी भावनाओं को समझिए. मैं बोल ये रहा हूं कि इक्वली इंक्लाइन टू बोथ एक्सिस, इक्वली इंक्लाइन टू बोथ एक्सिस. अच्छा सच पूछो तो इसका फोटो थोड़ा दूसरे लैंग्वेज में बन सकता है. ठीक है नीचे वाला समझ लीजिए, दोनों में फर्क आपको दिख जाएगा. अब मैं क्यों बोल रहा हूँ नीचे वाले में समझने के लिए, क्योंकि एक ऐसा रिमार्क नंबर 5 लिखा है क्या मैंने, यस रिमार्क नंबर 3 and 4 and 5 में होगा कंफ्यूजन, इसलिए मैं दोनों को साथ में समझाना प्रीफर करूंगा. जस्ट रीड द रिमार्क नंबर 5, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट मेक्स एन इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन dy/dx = -1. बिटू ध्यान से समझो, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि आप ये देख रहे हो सर कि ये वाला और ये वाला, मतलब एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट, देन देयर इज नो नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस लाइन, डेरिवेटिव ऑफ दिस कर्व टू इन ऑर्डर टू फाइंड द स्लोप. अगर मुझे स्लोप फाइंड करना है और मुझे मालूम है सर कि जो टेंजेंट है इक्वली इंक्लाइंड एक्सिस पे, तो मुझे फाइंड करने की जरूरत नहीं है. हम डायरेक्टली लिख सकते हैं सर जो स्लोप होगा वो dy/dx = -1 होगा, जो dy/dx होगा वो -1 होगा. अब एक बात और ध्यान से समझिए सर कि मान लो अगर यही कर्व कुछ ऐसा होता, इस कर्व के सामने ही बना रहा हूं, ये कर्व कुछ ऐसा होता, ये कर्व कुछ ऐसा होता मान लो, और जरा इसको और घुमाते हैं ऐसा ले ले. ठीक है अब इस कर्व पे बेटू मैंने ये किया कि इसी पॉइंट पे मैंने टेंजेंट फाइंड किया, और ये जब मैंने टेंजेंट फाइंड किया तो एक पॉइंट से तो बहुत सारे इनफाइनाइट लाइन पास हो सकते हैं ना यार, ये तो आप भी जानते हो. लेकिन टेंजेंट देखते हैं सर कितना पास होगा, जरा इसको देखते हैं सर, और आप भी देखिए ध्यान से, थोड़ा कर्व को और बेंड करते हैं ताकि अच्छा रहे अपने लिए समझने के लिए. यस नाउ इट इज कूल, नाउ लेट्स ड्रॉ द टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट. अब इस लाइन को ऐसा समझ लो और इस लाइन को ऐसा समझ लो सर. ऑब्वियसली देयर इज सम अब ध्यान से समझिए, अगर ये थीटा और ये थीटा इक्वल हो जाएं,
ये थीटा और ये थीटा इक्वल हो जाए, और अगर आपको लग रहा है कि सर ये कर्व में हमको फीलिंग नहीं आ रही है, देन दुनिया में ऐसे सारे कर्व्स हैं जो ये चीज को फॉलो करती हैं, सो आपको ध्यान देना है। अगर कर्व जो टैंजेंट्स हैं वो अगर इक्वली इंक्लाइंड हो जाए एक्सिस से, देन ऑब्वियसली उसका डेरिवेटिव आप प्लस माइनस वन लिख सकते हो। माइनस वन किस केस में लिखना है, मैं अभी आपको बताया कि इंटरसेप्ट अगर इक्वल हो जाए तो आप माइनस वन लिखोगे, एंड अदरवाइज यू कैन प्रीफर टू राइट प्लस वन और माइनस वन, वॉट एवर यू वॉन्ट। नाउ गाइस, मैंने एक रिमार्क नंबर 5 का फोटो ऊपर ही बनाया ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब जरा पॉइंट नंबर 6 को देखिएगा, पॉइंट नंबर 6 को देखिएगा, तो कुछ ऐसा है लग रहा है कि सर बहुत बकवास सी बात लिखे हो, कि सर एक डीवाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम टेंजेंट बना सकते हैं। यस, बना सकते हो। डीवाई बाई डी एक्स का मतलब होता है स्लोप, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन हम बना सकते हैं। सर एक जरा एग्जाम्पल देंगे, दुनिया में बहुत सारी कर्व है यार, एक कर्व आपके सामने अगर इसका ग्राफ आप बना पाओ, वाई इज इक्वल टू रूट मॉड एक्स, वाई इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए, ये रहता है सर, ऐसा होता है क्योंकि इनपुट पे मॉड है तो लेफ्ट साइड डिलीट राइट साइड कॉपी पेस्ट होता है, मैंने आपको सिखाया है। सो फोटो ये हो गया बेटा। अब मैं बोलूं आपको एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो ऑब्वियसली डीवाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अब बोलोगे सर कैसे, तो लो सर देख लो आप, जब मैं बात करूं जीरो पे, तो अगर आप लेफ्ट हैंड मतलब राइट हैंड से टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो कुछ ये आएगा, आप लेफ्ट हैंड से टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो कुछ ये आएगा। राइट हैंड के लिए थीटा कुछ ये है, लेफ्ट हैंड के लिए थीटा कुछ ये है, दोनों ही थीटा में आपको डिफरेंस दिख गया, इसका मतलब क्या हुआ बेटू, इसका मतलब तो ये हुआ ना सर, इसका मतलब तो ये हुआ ना सर कि दोनों के थीटा अलग अलग है, मतलब टैन थीटा अलग है, मतलब कि स्लोप अलग है, मतलब कि डीवाई बाई डी एक्स अलग है, दोनों टैंजेंट्स अलग हैं, और दोनों टैंजेंट्स अलग हैं, एलएचडी और आरएचडी अगर सेम नहीं है सर, डीवाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि मॉड में पावर होता है सर, मॉड में पावर होता है किसी फंक्शन को नॉट डिफरेंशिएबल बनाने का, और क्योंकि यहाँ पे मॉड एक्स लगा है इसलिए पावर है इसमें, मॉड एक्स अपने रूट पे इसको नॉट डिफरेंशिएबल बना देगा, लेकिन फिर भी हम टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, हम टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यस टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इन दिस क्वेश्चन यू कैन विजुअलाइज कि सर जो आप लिखे हो ना एक्स एक्सिस इज टैंजेंट, क्या बात कर रहे हो सर, यस नीचे से टैंजेंट है, अगर कोई बच्चा लग रहा है सर एक्स एक्सिस टैंजेंट नहीं है तो आप वाई एक्सिस टैंजेंट ले लो, एंड ऑब्वियसली जब एक्स एक्सिस को टैंजेंट लोगे तो वाई एक्सिस नॉर्मल का काम करेगा, जब वाई एक्सिस को टैंजेंट लोगे तो एक्स एक्सिस नॉर्मल का काम करेगा, इसलिए मैंने दोनों ही लिख दिया कि कंफ्यूजन ही ना हो। और कोई रिमार्क है, यस आपके सामने ही है, इफ देयर इज अ टैंजेंट टू एन इवन फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो देन इट इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, कहानी में इंपॉर्टेंट क्या है सर, कहानी में इंपॉर्टेंट है पहला चीज ये कि एट एक्स इक्वल टू जीरो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, इवन फंक्शन होगा, तो इवन फंक्शन जानते हो क्या होता है सर, इवन फंक्शन का मतलब ये होता है सर, किधर गया इवन फंक्शन, ये रहा इवन फंक्शन, इवन फंक्शन का मतलब होता है कि आपने रखा एफ ऑफ एक्स, आपने रखा एफ ऑफ माइनस एक्स और वो दिया एफ ऑफ एक्स, मतलब माइनस को खा जाता है तो हम बोलते हैं सर इवन फंक्शन है, जैसे एक्स स्क्वायर है आप माइनस टू डालो या टू डालो आंसर उसका फोर आता है। और बेटू आप जानते हो सर इवन फंक्शन का जितने भी ग्राफ्स होते हैं, इवन फंक्शन के जितने भी ग्राफ्स होंगे लाइक पॉलिनोमियल की बात करूं मैं, दुनिया में बहुत सारे इवन फंक्शन हो सकते हैं यार, कॉस भी है, एक पैराबोला जैसा काम करते हैं लोग। सो देखो अगर आप इवन फंक्शन ग्राफ एक्स इक्वल टू जीरो ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ये भी कुछ किसी का ग्राफ है, ये भी किसी का ग्राफ है, अगर ये एक्स स्क्वायर का है तो एक्स पावर फोर का ग्राफ है, ठीक है ना, ऊपर नीचे ये भी एक ग्राफ है, ये सारे इवन फंक्शन है, एट एक्स इक्वल टू जीरो आप ले लो, एट एक्स इक्वल टू जीरो, जरूरी नहीं है कि सर ये ग्राफ ऐसा ही हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है,
क्या ही फर्क पड़ता है, एट एक्स इक्वल टू जीरो लोगे तो भी टैंजेंट जो होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। अच्छा क्या बात कर रहे हो सर, कोई बोला इवन फंक्शन और कोई मेरे को बोला सर ये कर्व नहीं ले सकते हैं। बेटा ले सकते हो, ले सकते हो, लेकिन इसमें से कुछ पार्ट्स डिलीट करने पड़ेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि फंक्शन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल कर जाएगा, ये फंक्शन नहीं रह जाएगा, ध्यान दो। चलिए एग्जांपल्स पे आते हैं, बहुत सारा थ्योरी पढ़ा दिया, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ नॉर्मल ऑफ द कर्व, नॉर्मल टू द कर्व y equal to x square plus 3 sin x at x equal to 0, done sir। चलिए बेसिक से समझिएगा, मजा आएगा आपको। सर मुझे नॉर्मल फाइंड करना है, मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, रिक्वायरमेंट्स वाली चीजें क्या क्या है? सर आप पॉइंट लाओ x1 y1 लाओ और डिफरेंशिएट करो कर्व के उसी पॉइंट पे, फंक्शन का कर्व को डिफरेंशिएट करो उस पॉइंट पे, मतलब कर्व के डिफरेंशिएशन का उस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगा। सो देखो हमारे पास x इक्वल टू जीरो दिया है, y दिया नहीं, अपने को तो x1 और y1 दोनों चाहिए ना। सो बेटो यहां पे देखो ध्यान से, गिवन कर्व इज y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 sin x। अब इसमें आप लिखो एट x इक्वल टू जीरो, जब x को डालोगे जीरो तो y आएगा जीरो स्क्वायर प्लस 3 इंटू साइन जीरो, साइन जीरो इज जीरो, सो y इक्वल टू जीरो, तो आपके पास बिटू आ गया, पॉइंट से आ गया कि x और जीरो, y और जीरो। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि अब हमें फंक्शन को, सॉरी कर्व को x स्क्वायर प्लस 3 साइन x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किस पॉइंट पे, जीरो पे एंड जीरो पे। सो लेट्स डिफरेंशिएट दिस कर्व, dy by dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 cos x, लेकिन मुझे dy by dx निकालना है एट x इक्वल टू 0 कॉमा y इक्वल टू 0 है, सो 0 कॉमा 0 पे। सो क्यों ना हम y की जगह पे 0 रखें, x की जगह पे 0 रखें, क्योंकि राइट साइड में y है नहीं, तो मुझे सिर्फ x के वैल्यू को रखना पड़ेगा। सो बेटू ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू cos 0, एंड आप जानते हो 3 इंटू cos 0, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू cos 0 1, थ्री आया ना, तो मैंने तो डीवाई बाई डीएक्स निकाला है, लेकिन मुझे नॉर्मल चाहिए। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बेटू ध्यान से देखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज वाई माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन बाई डीवाई बाई डीएक्स एट जीरो कॉमा जीरो एक्स माइनस एक्स वन। सो फाइनली गाइस आपके पास जो आंसर आएगा, मैं कितना दूर आ गया, वाओ, ओके, ठीक है। सो फाइनली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज वाई माइनस वाई वन, वाई वन और एक्स वन है क्या, जीरो कॉमा जीरो ना, हो गया वाई इज इक्वल टू वाई माइनस जीरो, वाई इक्वल टू माइनस वन बाई डिवाइड बाई डी एक्स, थ्री आया था, एक्स माइनस जीरो एक्स, सो या गया बेटू 3y इक्वल टू माइनस एक्स, सो बेटर यू राइट x प्लस 3y इक्वल टू जीरो, दिस इज योर रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज योर रिक्वायर्ड लाइन गाइस, आपका ये जो लाइन है रिक्वायर्ड है, ठीक है, डन। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग सेकंड क्वेश्चन, लेकिन सेकंड क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप एक बात को और ध्यान दीजिए कि अगर कर्व dy by dx में ना दे करके आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन में दिया जाए, मतलब क्या है कि अगर मुझे मान लो कि एक फंक्शन कर्व दिया है, प्लीज इस बात को और ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे कुछ कर्व दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड x दिया है g ऑफ टी, मुझे dy बाई dx निकालना है, तो मैं dy बाई dx निकालूंगा एफ डैश टी डिवाइड बाई g डैश टी, मैं dy by dx निकालूंगा, y को डिफरेंशिएट करूंगा t के रिस्पेक्ट में, फिर x को डिफरेंशिएट करूंगा t के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब समझे बेटा, मुझे अगर डायरेक्टली इसको नहीं लिखना होता तो मैं आपको शायद ऐसे समझाता कि इन ऑर्डर टू गेट dy by dx फर्स्ट वी हैव टू डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t, एंड इन ऑर्डर टू गेट dy by dx वी हैव टू डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t। सो हियर यू कैन क्लियरली सी कि सर dt एंड dt कैंसिल हो जाएंगे एंड फाइनली वी विल हैव dy by dx। So now you have to differentiate y with respect to t. So derivative of f of t at, sorry, with respect to t is f dash t. And derivative of x at
with respect to d is g dash t. Okay. Now suppose I want to find the equation of tangent at x1 comma y1, where y is this, x is this, where y is this and x is this. So equation of tangent or equation of normal, you can consider. Normal में कुछ करना नहीं है, बस minus one upon dy by dx लिखना होता है. So equation of tangent हो जाएगा बेटा y minus y1, and y1 is f of t. बेटू ध्यान से देख लो, f of t equal to f dash t slope, मतलब dy by dx, and dy by dx is f dash t upon g dash t. So ये हो जाएगा f dash t divide by g dash t into में x minus x1, and the x1 is gt. x is gt. So this is your equation of tangent, and you can write equation of normal also. So let me write equation of normal by at this point only. So equation of normal will be, guys, y minus ft equal to, obviously na negative reciprocal, so minus yahan pe likho, reciprocal kar doge g dash t upar, f dash t niche, x minus gt. Kya hi dubade sir, मजा आ गया. तो क्वेश्चन कीजिए. चलिए वापस बेसिक से शुरू करेंगे अपन कि सर मुझे इस क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. क्या बात है सर, टेंजेंट ही निकालना है. लाइन टू द कर्व, टेंजेंट टू लाइन ही है ना यार. कर्व एक ऐसा दिया है, क्या बात है सर, पैरामेट्रिक इक्वेशन है. लेकिन मैंने आपको बताया ना कि आप डायरेक्ट डीवाई बाई डीएक्स मत निकालो, आप डायरेक्ट डीवाई बाई डीएक्स मत निकालो. यू नो कि सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, देखो मैं वापस से लिख रहा हूं. हम जानते हैं सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx एट x1 कॉमा y1 x माइनस x1. तो मुझे चाहिए y1, मुझे चाहिए x1, और मुझे चाहिए dy बाई dx एट x1 कॉमा y1. नाउ कंसिडर दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज योर आंसर ऑल्सो. ये आंसर भी है आपका. सो लेट स्टार्ट फाइंडिंग द रिक्वायर्ड थिंग्स. So, बेटू सबसे पहले मुझे फाइंड करना है x एंड y. एट थीटा इक्वल टू 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? सो एट थीटा इक्वल टू 4, पाई बाय 4, सॉरी, x विल बी 1 माइनस cos थीटा, एंड 1 माइनस cos थीटा cos पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2, सो 1 माइनस 1 बाय रूट 2, और यू कैन राइट रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2, यस. एंड y विल बी theta minus sin theta, मतलब pi by 4 minus sin theta is cos theta, sin pi by 4, pi by 4 minus 1 by root 2, यही आया. चलिए हमारे पास पॉइंट्स आ गए सर, x और y के पॉइंट्स आ गए. बेटू अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फाइंड करना है सर dy by dx. लेकिन यहाँ पे dy by dx हम फाइंड नहीं कर सकते. मुझे x भी थीटा के रिस्पेक्ट में दिया है, y भी थीटा के रिस्पेक्ट में दिया है. मुझे पहले dy एंड dx को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. लेकिन क्योंकि हम डायरेक्टली जानते हैं सर, इतने समझदार हो गए हैं कि सर हम dy by dx को लिख सकते हैं डायरेक्टली. सो dy को डिफरेंशिएट करोगे बेटा थीटा के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा थीटा का डिफरेंशिएशन 1, माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटू कॉस थीटा, एंड dx का डिफरेंशिएशन 1 का 0, माइनस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस साइन थीटा इज साइन थीटा. लेकिन मुझे dy by dx ऐसे थोड़ी निकालना है, मुझे dy by dx निकालना है when theta is equal to pi by 4. क्या बात है सर, सो 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 डिवाइड बाय साइन थीटा इज साइन पाई बाय 4. सो 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 इज 1 माइनस 1 बाय रूट 2, एंड साइन पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2. So finally guys, आपके पास मिल जाएगा root 2 minus 1. root 2 cancel, root 2 minus 1 is your dy by dx at theta is equal to pi by 4. So now let's put the value of this theta and x and y in equation number 1. I will have equation of tangent y minus y1, बेटू ध्यान से देख, y minus y1, y1 कितना है थरे, pi by 4 minus 1 by root 2 है, so minus minus plus 1 by root 2 आ जाएगा. जरा ध्यान से देख लीजिए कैसे आया, dy by dx आ गया है बेटा root 2 minus 1,
and x minus x1, x1 is x minus root 2 minus 1 by root 2. And please, as per your option, जैसे options आएंगे उतने आप solve कीजिए और answer आपका finally यही हो जाएगा. Answer आपका finally यही हो जाएगा. So no need to find too much. Yeah. This is your final answer. Boom. Let's see the third one. Find the equation of tangent and the normal. दोनों ही find करना है. Equation of tangent भी find करना है. Equation of normal भी find करना है. At the point where it cuts x-axis. क्या बात है सर? Where it cuts x-axis. So ये है क्या सर? ये चीज है क्या? अगर ये curve, sorry, अगर ये चीज x-axis को कट कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट जीरो होगा. अच्छा ऐसा है सर? यस ऐसा ही है. चलिए लिखते हैं सर सॉल्यूशन. देखिए आप सॉल्यूशन ये है सर. गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू x माइनस 7 डिवाइड बाय x माइनस 2 x माइनस 3 एट x-axis y विल बी जीरो. So finally, I will have x minus 7 divided by x minus 2, x minus 3 is equal to 0. And by solving this, I will get x equal to 7. So the point is, so the points, point is 0, sorry, 7, 0. Mujhe point mil gaya. X aur y nikalna hai na yaar. Y to 0 mil gaya, kyunki x-axis ko cut kar raha hai. X hamara 7 ho gaya, kyunki humne value rakhkar nikala hai. Now finally, I can find the equation of tangent. कैसे सर? Equation of tangent कैसे find करोगे आप? बहुत आसान है यार. Curve आपको यही दिया है. Y is equal to x minus 7 divided by x minus 2, x minus 3. And please, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मैं u by v rule लगा दूंगा, बेटा बहुत मार खाओगे अगर u by v rule लगाओगे तो. U by v rule नहीं लगाना है. अब सिंपलीफाई करके u by rule लगाए करो यार. तो ये हो जाएगा y into x minus 2, x minus 3, minus x plus 7 equal to 0. खत्म. अब लगाओ जो करना है. So dy by dx निकाल लोगे. कैसे निकालोगे सर? एक काम करो आप. पहले इसको भी solve कर दो. So ये हो जाएगा बेटा x square minus 3x minus 2x minus 5x plus 6 minus x plus 7 equal to 0. And यहां से आ जाएगा x square y minus 5xy plus 6y minus x plus 7 equal to 0. Now you can find. Simple सा equation है यार. इसका derivative find करना बहुत बड़ी बात नहीं है. You find dy by dx and then put x equal to 7 and y equal to 0. Whatever you will get, put in equation y minus 0 is equal to dy by dx. Equation of tangent आपका ये हो जाएगा. यहाँ पे जो भी slope मिलेगा x minus 7. 0, 7 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि 0, 7 से 7, 0 से पास होगा. Sorry. Equation of normal by 2 हो जाएगा y minus 0 minus 1 by ये जो भी dot 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 आता आपका x minus 7 ये आपका answer हो जाएगा. Now I am just leaving very small thing on you guys. आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए. दिए सम क्वेश्चन जो आपको खुद से करने हैं मैंने. अच्छा एक हिंट दे रहा हूं आपको. देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा. लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द कर्व. इस कर्व पे आपको टैंजेंट फाइंड करना है. एट द पॉइंट्स ऑफ इट्स इंटरसेक्शन विद द हाइपरबोला. हाइपरबोला इज दिस. So, आपको क्या करना होना है ना, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. जस्ट दिमाग में चिपका लेना इसको. टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू कर्व्स. टू कर्व्स, मोर देन टू कर्व्स, 10 20 50 कर्व क्यों ना हो, अगर वो एक ही पॉइंट में मिल रहे हैं क्या फर्क पड़ता है सर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोई दो से निकाल लो आप.
कोई दो को रखो यार, पॉइंट तो वही आएगा ना, सारे मिल रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, 10-20 कर्व है क्या मतलब है अपने को, दो से मतलब है तो दो से काम करो यार। टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू कर्व्स मोर देन टू हो सकता है, इट इज पॉसिबल, कर्व्स इक्वेट देयर इक्वेशन, उनकी इक्वेशन को इक्वेट कर दो। सो आपको क्या करना बेटा कि ये जो कर्व है आपका ये हाइपरबोला से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप इन कर्व को इक्वेट कर दोगे। इक्वेट कैसे करोगे, y इक्वल टू y नहीं, 1 by 1 plus x square is equal to 1 by 1 plus x, एंड ऑब्वियसली x का वैल्यू आ जाएगा। जैसे x के दो वैल्यूज आएंगे, मेरे को कैसे मालूम पड़ा x के दो वैल्यूज आएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक दिख रहा है यहाँ पे, तो इट इज पॉसिबल कि x के दो वैल्यू, इट इज पॉसिबल नहीं, इट विल बी पॉसिबल कि x के दो वैल्यूज आएंगे, दोनों x के वैल्यू के लिए आप करस्पॉन्डिंग y के वैल्यू निकालिए। अब बोलोगे सर y का वैल्यू कहां पे रखेंगे, बेटा दोनों का आंसर सेम ही आएगा, आप x का वैल्यू कहीं पे भी रखोगे y का वैल्यू सेम आएगा। जैसे ही x और y मिल गए आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर किसको, तो जिस कर्व पे आपको टेंजेंट निकालना है, किस कर्व पे टेंजेंट निकालना है, इस पे टेंजेंट निकालना है। कैसे मालूम सर, लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस। अब ये मत करना कि सर इसको डिफरेंशिएट करने बैठ जाना और आंसर नहीं आया तो रोते बैठना, नहीं, जिस कर्व को डिफरेंशिएट करना है, जिस कर्व पे टेंजेंट निकालना है उसको डिफरेंशिएट करोगे। सो ऑब्वियसली डीवाई बाई डी एक्स यहां से निकालोगे, और डीवाई बाई डी एक्स आप जानते हो कैसे निकालोगे सर, 1 by 1 plus x square का डेरिवेटिव यू वाई वी से निकाल लो, जल्दी हो जाएगा। सो जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे आप एक्स का वैल्यू जो निकाले हो, वाई का वैल्यू जो निकाले हो, रख दोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक ही फॉर्मूला ही है यार। एंड ये तो बहुत ही लंबा सा इक्वेशन जानबूझ कर दिया हूं कि आप लोग डर जाओ, लेकिन है उतना ही आसान। इसका डेरिवेटिव किसको नहीं आता यार, 12x square u by v पे जाएगा, 12x u by v पे जाएगा, u by v नहीं सॉरी u into v, 16y dy by dx, एंड dy by dx के सारे टर्म को एक साथ ले लेना, बाकी सबको एक साथ भेज देना, और पॉइंट आपको दिया है -2, 3, तो x के जगह पे रखोगे -2, y की जगह पे रखोगे 3, फाइनली आपको dy by dx मिल जाएगा। फाइंड कर लेना, क्या बात है सर, इफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट 1, 1 is inclined at an angle tan inverse 2, मतलब आपको यहाँ पे थीटा दे दिया है, मतलब tan थीटा दे दिया है 2, देखो inclined at an angle, angle दिया है, मतलब मान लो कि अगर थीटा से inclined है तो थीटा इक्वल टू tan inverse 2, देखो इसको बोलते हैं बेवकूफ बनाने का निंजा टेक्निक। आपको यहाँ पे दिया है कि थीटा जो होगा बेटा tan inverse 2 है, और आप डिवाइड बाई dx, आप स्लोप निकालते हो tan थीटा, जब tan को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 2, तो आपको डिवाइड बाई dx डायरेक्टली दिया है 2, स्मार्ट अप्रोच। एक बात और है, मुझे a एंड b का वैल्यू पूछ रहा है, तो वापस से रिमार्क नंबर 1 काम में आएगा कि अगर कोई पॉइंट किसी कर्व पे लाई कर रहा है उस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और मैंने आपको बोलना था सिर्फ बोलने से नहीं होता, आपको करके दिखाना पड़ेगा। आप 1 को रखना x के जगह पे, 1 को रखना y के जगह पे, जो भी यहां से इक्वेशन आएगा क्या आ जाएगा, 1 plus a plus b equal to 0, एक इक्वेशन यहां से आएगा। नाउ डीवाई बाई डी एक्स इसका निकालना, मतलब टैन थीटा इसका निकालना, उसको 2 से इक्वेट कर देना, आंसर आ जाएगा। मैं हिंट दे रहा हूं ताकि आप वापस से जाकर यूट्यूब पे मत खोजने बैठ जाओ, बहुत मार खाओ, यस बहुत मार खाओ। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए आप, मेरे मन में आ जा रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ये टाइम हो गया रे। अच्छा ठीक है, आई हैव 8 मिनट्स ना, यस आई विल कंप्लीट दिस, मैं कंप्लीट कर दूंगा, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सर। फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑन द कर्व एट व्हिच टेंजेंट टचेस द कर्व। ओ क्या बात है सर, ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन, टेंजेंट आपको दिया है, टेंजेंट आपको दिया है, बोल रहा है कि मुझे वो पॉइंट ढूंढ के दिखाओ जहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। क्वेश्चन को सिंपल लैंग्वेज में बोले बेटा तो यही है, मुझे वो पॉइंट ढूंढ के दिखाना है जहां पे ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया टेंजेंट तो ही तो टच करेगा यार, और वही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बताया है।
सो ठीक है ना सर, क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे एक्स एंड वाई ढूंढना है, ठीक है एक्स एंड वाई ढूंढना है, तो एक काम करते हैं सर, मैं मान लिया मेरे को नहीं मालूम है, यस इको पिलने की क्या जरूरत है, मान लो कि आपको नहीं मालूम है, मान लो आपको नहीं मालूम है, नहीं मालूम है तो क्या करेंगे सर, मैथ्स वाले हैं अपन मान लेंगे, अपन मान लेंगे नहीं मालूम है, और वो नहीं मालूम को मान लेंगे कि वो कुछ और है, मतलब क्या है सर, लेट एक्स वन एंड वाई वन बी द पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, क्या बात कर रहे हो सर, नहीं मालूम है तो एक्स वन वाई वन मानना है, यस मानना है, हमेशा मानना है, आपकी मर्जी है कुछ भी मान लो, एक्स वन वाई वन ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि कोऑर्डिनेट है यार, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, अब ध्यान से सुनो कि अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, कर्व पे लाई करेगा, और बोलने से कर्व पे लाई नहीं करेगा, हम करके दिखाना पड़ेगा, नाउ द इक्वेशन ऑफ कर्व मैं लिख देता हूं, सिंस इट लाइज ऑन द कर्व, देयरफोर इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व, इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व, एंड इक्वेशन ऑफ कर्व को सेटिस्फाई बोलने से नहीं हुआ, मैंने बोला करके दिखाना है, सो वाई की जगह पर रख दो वाई वन, एंड एक्स की जगह पर रख दो एक्स वन, माइनस इलेवन एक्स वन प्लस फाइव, ये हो गया आपका कर्व का इक्वेशन, एंड लेट अस कंसीडर द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व इज वन। नाउ गाइस हमको मालूम है सर, टेंजेंट तो मालूम है ना सर, टेंजेंट हमें मालूम है, टेंजेंट का इक्वेशन मालूम है सर, डीवाई बाई डी एक्स, चलिए ध्यान से समझते हैं सर, नाउ डीवाई बाई डी एक्स, या मैं इसको ऐसा लिख दूं, टेंजेंट ऑफ द कर्व, क्या है कर्व, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, माइनस इलेवन एक्स प्लस फाइव, अब इसका टेंजेंट निकालना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है बेटू, ये हो जाएगा डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन, बट एक बात ध्यान दो बेटा कि ये जो टेंजेंट आपने निकाला है ये अपने कर्व का टेंजेंट निकालना है, लेकिन एक टेंजेंट आपको ऑलरेडी दिया है, ये टेंजेंट यहां पे दिया है, इस टेंजेंट का इक्वेशन दिया है वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस इलेवन, बट स्लोप ऑफ लाइन, टेंजेंट एक लाइन ही है ना, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस इलेवन, अब जैसे ही आप इसका स्लोप निकालोगे, डीवाई बाई डी एक्स, या आप डायरेक्टली एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके लिख सकते हो एम इक्वल टू वन, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ बेटा डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन, इसको डिफरेंशिएट कर दो या तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से निकाल दो, आंसर सेम आ जाएगा, बट स्लोप ऑफ दिस लाइन इज वाई इक्वल टू डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन, सो हमारे पास दो दो चीजें आ गई कि सर एक बोल रहा है कि कर्व का टेंजेंट ये है, और क्योंकि टेंजेंट का टेंजेंट, टेंजेंट खुद में टेंजेंट होता है, टेंजेंट का स्लोप ये है, तो दोनों इक्वल ही होंगे ना, क्योंकि टेंजेंट कर्व से पास हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1 हो गया, देयरफॉर 3x स्क्वायर इक्वल टू 12, देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, अब आ रहा है खतरनाक चीज कि हमारे पास x के दो दो वैल्यूज आ गए हैं, ऑफ कोर्स सर दो ही वैल्यू आए हैं हम देख पा रहे हैं, ठीक है अच्छा अब देखो, जैसे ही x के दो वैल्यूज आए आप इक्वेशन में रखोगे, क्योंकि आपको y का वैल्यू निकालना है, अब वापस बता रहा हूं कि आप कहां पे रखोगे x का वैल्यू, यहां पे मत रखना, कर्व पे पॉइंट लाना है ना आपको, तो x का वैल्यू यहां पे रखो, x का वैल्यू यहां पे रखो, चलिए केस नंबर वन, फॉर x इज इक्वल टू 2 y विल बी x क्यूब माइनस 11x प्लस 5, यस प्लस 5, सो y हो जाएगा बेटा 8 माइनस 22 प्लस 5, सो y इज इक्वल टू माइनस 9, 13 माइनस 22, यस माइनस 9, सो द पॉइंट इज 2 कॉमा माइनस 9, आपको लग रहा है सर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, नहीं
फोर एक्स इक्वल टू माइनस टू, वाई इज इक्वल टू माइनस टू का क्यूब, मैं रख रहा हूँ कर्व में, माइनस इलेवन इंटू एक्स माइनस टू प्लस फाइव, सो बेटा ये हो जाएगा माइनस एट प्लस ट्वेंटी टू प्लस फाइव, देयर फोर y is equal to 27 minus 19, yes 19 आ रहा है सिर्फ, so y is equal to 19, therefore point जो होगा वो हो जाएगा आपका minus 2 comma 19, हमारे पास दो दो आंसर आ गए, हमारे पास दो दो आंसर आ गए, एक आ रहा है ये और एक आ रहा है ये, दो आंसर आ गए सर, दोनों में सही कौन सा है, क्या दोनों सही है या एक सही है, इसका जवाब आपको टैंजेंट देगा, इसका जवाब आपको टैंजेंट देगा, कैसे, तो देखो अगर ये पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, उस पॉइंट से वो टैंजेंट भी पास हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था बेटा स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि जो पॉइंट है एक्स और वाई वन, एक्स वन और वाई वन, ये कर्व पे भी लाई करेगा, इस पॉइंट से टेंजेंट पास हो रहा है इसलिए टेंजेंट पे भी लाई करेगा, इस पॉइंट से नॉर्मल पास हो रहा है इसलिए वो नॉर्मल पे भी पास होगा, और वही आपका रिमार्क नंबर वन भी था कि ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन ऑफ लाइन को, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को, तो देखते हैं सर क्या ये सच में सेटिस्फाई कर रहे हैं या बकवास कर रहे हो आप, मैं कहा कर रहा हूं, अरे टू कॉमा माइनस नाइन को जरा रखो, चलो लेट्स चेक द पॉइंट whether among this point which of this is satisfying the equation of tangent, so beta aap dekh sakte ho clearly jahan tak mujhe yaad hai dekh lete hai na yaar equation of tangent kya hai aapka y is equal to x minus 11, jara yahan pe x ka value 2 rakhiye aap, 2 minus 11, x ka value jaise hi 2 rakhoge 2 minus 11 minus 9 aa jayega, matlab y ka value minus 9 aa raha hai, yes therefore यहां पे देख देते हैं 19 रख देंगे, माइनस टू रख दो, माइनस टू माइनस 11 माइनस 13 और y का वैल्यू यहाँ पे 19 है, मतलब ये है क्लियरली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू x माइनस 11, माइनस टू कॉमा 19 इज नॉट सेटिस्फाइंग, अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बेटा therefore पॉइंट, या मैं ऐसा लिख सकता हूं रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इज ओनली माइनस टू कॉमा सॉरी टू कॉमा माइनस नाइन, ये भी टू रिक्वायर्ड पॉइंट, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी आर फाइंडिंग, जस्ट गिव मी योर 5 मिनट गाइस, ये सारे आपको करने हैं तो प्लीज मेरे को ना बोलो, यस आई विल डू दिस वन बट आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू ट्राई बाई योर सेल्फ एंड प्लीज डू नॉट टेक हेल्प फ्रॉम गूगल यूट्यूब, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, योर रेफरेंस बुक, फॉर्मूला बुक, वेयर एवर यू वॉन्ट टू चेक गो थ्रू दिस, बट नाइदर यू डोंट हैव टू जस्ट टेक द हेल्प फ्रॉम यूट्यूब गूगल, मतलब नहीं बनेगा, देर विल बी नो बेनिफिट ऑफ दिस, यस इस क्वेश्चन को मैं कल बताऊंगा, लेकिन ऑब्वियसली मैं आपको बोल रहा हूं जरा, क्योंकि जेई का सवाल है यार, आईआईटी ने पूछा है तो बनता है एक बार आपका दिमाग लगाना, चलिए इन सारे क्वेश्चन को जरा जल्दी टिप्स एंड ट्रिक से सॉल्व कर दिया जाए, लेट्स लर्न सम टिप्स एंड ट्रिक, टिप्स एंड ट्रिक सॉल्व करना जरा जरूरी है, क्यों याद रहेगा तो अच्छा रहेगा अपने लिए, देखो बेटा ये है कि दुनिया में अगर कर्व, इस बोलने का ये इतना बकवास का मतलब ये है कि अगर दुनिया में कर्व अगर ओरिजिन से पास हो रहा है, आप जानते हो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, तो आप डीवाई बाई डीएक्स मत निकालो, उसका जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा उसका लोवेस्ट डिग्री टर्म का आंसर हो जाएगा, अब देखो इसमें लोवेस्ट डिग्री टर्म कौन सा है, इस टर्म का डिग्री 2, इसका 2, इसका 1, इसका 1, सो लोवेस्ट कौन सा है, हाईएस्ट डिग्री तो 2 है, लोवेस्ट कौन सा है 1, तो जितने भी 1 वाले होंगे सब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2gx plus 2fy equal to 0, आपको कोई जरूरत नहीं है dy by dx निकालने का, जरूरत ही नहीं है, अब यहां पे देखो हाईएस्ट डिग्री कौन सा है 3, इसका भी 3, इसका भी 3, देखो डिग्री का मतलब होता है बेटा सारे टर्म, सारे वेरिएबल के पावर को जोड़ो, तो ये भी 3 है, x का 2 है, y का 1 है,
तो ओवरऑल डिग्री ऑफ दिस टर्म विल बी थ्री. सो ये भी थ्री है, ये भी थ्री है, ये भी थ्री है, और ये टू है, ये टू है. सो जितने भी, सबसे कम डिग्री किसका आया? टू का. तो जितने भी टू वाले टर्म्स है सबको लिख दो, जितने जिनकी डिग्री टू है. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो. खत्म कहानी. कोई जरूरत नहीं है आपको डीवाई बाई एक्स निकालने का, लेकिन मेक श्योर दैट कि ये जो कर्व है ये ओरिजिन से पास हो रहा है. और मैं ओरिजिन पे ही टेंजेंट निकालना चाहता हूं. अब बोलोगे सर ओरिजिन से कैसे पास होगा? बेटा बहुत ही सिंपल सी बात है यार, जब ओरिजिन से कर्व पास होगा मतलब 0,0 से पास होगा, तो एक्स के जगह पे रखोगे 0, वाई के जगह पे रखोगे 0. और जब सारे ही टर्म में एक्स और वाई है तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इक्वल टू 0 आ गया कि नहीं, मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है. यही कहानी नहीं होती अगर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट ऐड हो जाता, मान लो 4 हो जाता, तो ये सारे 0 बन जाते लेकिन ये बच जाता 4. एंड 4 थोड़ी 0 के इक्वल होता है, मतलब ये ओरिजिन से पास नहीं होता. बस ये सारी जो चीज है बेटा, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 3, 4 गो थ्रू करना प्लीज, आई विल एक्सप्लेन अगेन. एंड हाँ, ये ही क्वेश्चन है जो मैं आपको बोल रहा था, जेई मेंस में 2019 में. So that is all for the day, guys.